माशाल्लाह से मैंने इसको दही के अंदर दही में वो तिक्का मसाला डालकर और इसको ना मतलब चिकन को लगाकर और थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए रख दिया था। फिर उसके बाद ना मैंने उसको ऊपर रख दिया, अपने ही पानी में मतलब ये ना गल गया है। और अब ना माशाल्लाह से फिर मैंने ऑयल डाला और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसको मैंने थोड़ा फ्राई किया। फ्राई करने के बाद ना उसको छोड़ दिया। अब देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा सालन बिल्कुल तैयार, टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला तो ये तैयार हो चुका है। अभी मैं बनाती हूँ इसके साथ सलाद और फिर रोटियाँ मैंने बना ली हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, ठीक है? अभी हम तैयार कर लेते हैं, फिर डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो मैं अब इसको दूंगी कोयले का धुआं ताकि मतलब अच्छे से खुशबू आए इसके अंदर। और साथ में बना रही हूँ, पहले भी आपने बनाया था ना, कितना मजेदार था। साथ में बना रही हूँ सलाद, ये काट लिया मैंने प्याज और ये भी खीरे काट रही हूँ। आज इकरा अंबर चली गई अपने चाचू के घर और उनके पापा वहाँ से चले जाएंगे जॉब से उनको लेने के लिए, उनका पापा हमें लेने के लिए आ जाएगा। तो घर में हम तीन बंदे, मैं, मेरे बेटा और दूसरा। मैंने कहा चलो आज मैंने बनाना था कीमा करेले गोश्त, लेकिन ना मैंने कहा चले अंबर को भी पसंद है, इकरा को भी बहुत पसंद है, पापा को भी, तो वो तीन बंदे घर में नहीं है। तो मैंने कहा चलो हम ये बना लेते हैं चिकन टिक्का मसाला। तो अब मैंने ये खीरे भी काट लेती हूँ, साथ में लेमन वगैरह भी काट लूँगी और प्याज मैंने काट लिया। तो कोयला ज़रा हो जाए ना, बन जाए। यहाँ पर कोयला बन रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। कोयला ज़रा हो जाए ना तो मैं उसका धुआँ लगाती हूँ। उसकी माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आती है सालन में। फिर ऐसे सलाद वगैरह इकरा ही बनाती घर में होती है, तो जब मैं कोई काम ऐसा करती हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी इकरा हर काम उतरा करती है। लाइट आ गई है, फिर ना चली जाए। हाँ लाइट का भरोसा नहीं, फिर चली जाती है बार बार। तो चलें फिर, अब सालन हमारा तैयार हो गया। सालन अब कोयले का करेगा, अब कोयले का लगाना दूंगा। एक कोयला बन रहा है, हो गया ना। अब मैं इसमें ना कोयले का धुआं लगाने लगी हूँ। कोयला जल गया, ओ नीचे गिर गया। हम मैंने सलाद काट लिए हैं, बस थोड़ा सा ऑयल डालती ना इसके ऊपर तो बस धुआं हो जाएगा। देते हम पर ताकि इसमें ना बारबेक्यू की तरह खुशबू आए, जो मेरे बच्चों को पसंद है। आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखें आप लोग, ये तोतो का सोने का टाइम हो गया है। तोतो को सुला दिया हमने बंद करके। आज तो ऐसे लपेट के सुलाते हैं, ऐसे हम लपेटते हैं और सुलाते हैं। सुबह छह जैसे मैं नमाज पढ़ के रखती हूँ, प्याज धो लेती हूँ, खाना दे देती हूँ।
बाकी तो चाचू के घर गए मैं। मैंने सालन जरा ज्यादा बनाया, मैंने अब तक वो भी उनका भी दिल चाहे तो खा लें, टेस्ट तो करेंगे मम्मा ने क्या बनाया। मम्मा कितनी प्यारी लग रही, मम्मा पे कलर कितना प्यारा लग रहा, ऑरेंज कलर। हाँ, मैं जब नए कपड़े पहन लेती हूँ, कोई भी नया तो नहीं है, माशाल्लाह एक साल हो गया सूखो मेरे कपड़े, माशाल्लाह माशाल्लाह यकीन करे कई कई साल चलते रहते हैं, जब भी पहनती हूँ ऐसा लगता है नए कपड़े, जब भी पहनती हूँ नए चलते रहते हैं माशाल्लाह से। अच्छे होते हैं ना कपड़े। हाँ, अच्छा कपड़ा होता है ना, ना रंग खराब होता है ना कपड़ा खराब होता है ना कुछ, जब पहन लेती हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आज बहुत प्यारी लग रही। चले मम्मा, जब उसका हो जाएगा ना फिर हम आएंगे। सही, तो हम लोग यहाँ फिर ये भी मैं सारा कुछ बना कर रखूंगी ना सर। सही, अभी हम फिर आते हैं। ठीक है, वो धुआं वाला हो जाए ना उसके अंदर निकल सारा, चला जाए दम लग गया। हो गया। वाओ कितना प्यारा कलर आया है, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर है। इसको डिश आउट करते हैं ना, डिश आउट करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। सही है मम्मा, एक मिनट रुको। अब हमने डिश आउट कर लिया है, ये देखते हैं कितना प्यारा कलर आया और कितना प्यारा लग रहा है, साथ में सलाद भी है। अब मैंने डिश आउट कर दिया है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, कलर कितना प्यारा आया है और बहुत प्यारा लग रहा है। और ये बने बहुत प्यारा, पहले भी हम मम्मा ने बनाया था बहुत मजे का था, और ये बहुत मजे का होता है। माशाल्लाह हमारी बनी हुई है, बना ली मैंने रोटियां भी, ये देखें रोटियां बनाकर मैंने तैयार करके रखी हुई है। तो आप लोग ये जरूर ट्राई करें, बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, हमने पहले भी खाया था, बहुत अच्छा बनता है, माशाल्लाह बहुत मजेदार बनता है। ये देखिए रोटियां भी तैयार कर ली है मैंने, रोटियां भी बना ली है, सारा खाना मैंने तैयार किया, नंबर है घर में और ना ही एक रहा है, तो सारा खाना मैंने तैयार किया। चलो मम्मा अल्लाह हाफिज कर दो। चलो रिमशा हम वो करते हैं, रिमशा आप चक्के देखो कैसा बनाना फिर बताओ। अच्छा कैसे चकूं, एक मिनट एक मिनट, हाँ ले लो रोटी उठा लो ना, खा के देखो कैसे बना फिर बताओ। बहुत मजे की बनी मम्मा, बहुत मजे का जायका। मैंने उनको पहले भी कहा कि हमने पहले भी जो है ना ये रेसिपी मम्मा ने बनाई थी बहुत जबरदस्त बनी थी, आप लोग बनाए आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी, इतने कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाओगे, बहुत मजे। मैं ना अपनी मर्जी से बनाती रहती हूँ, मैं ना कोई वो नहीं देखती रहती, मतलब कोई तरकीबें वगैरह, और जो चीज मैं अपने मर्जी से बनाती हूँ ना मेरे बच्चे वही पसंद करते। अगर मैं किसी और के कहने पर बना दूँ आप यकीन करें मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप अपनी मर्जी से जो चीज बनाती हूँ वही बनाया ना, दूसरों के हमें पसंद नहीं आती, मेरे बच्चे पसंद ही नहीं करते। मैं कभी कभार चेंजिंग कर दूँ ना किसी चीज में तो उस दिन कह देते हैं कि आज आपने कोई चेंजिंग की है, आप ना अपनी मर्जी से बनाया था, बहुत मजे का बना है, पहले भी बहुत जबरदस्त था। होता है बारबेक्यू है मतलब बना सकते हैं, मतलब सीखों पे भी बना सकते हैं और हम वो स्टिक पे भी तल सकते हैं उसको कढ़ाई में, नहीं लेकिन मैंने ऐसा बनाया है, मैंने कहा चलो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत माशाल्लाह मजेदार है। चलो मम्मा अल्लाह हाफिज कर दो। तो चले फिर खाना माशाल्लाह मैंने तैयार कर लिया, सालन भी सलाद भी और रिमशा को चेक भी करवा दिया, तो रिमशा कह रही माशाल्लाह बहुत मजेदार बना है। आप लोग बनाएंगे ना और टेस्ट करेंगे आप लोग को देखना बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको बहुत पसंद आएगा। रोटी मैंने बना ली है, तो फिर मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, आप अपना और अपने प्यारों का रखें ख्याल, अल्लाह पाक करे जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे, कभी कोई गम कोई दुख आप लोगों के करीब भी ना आए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, तो मुझे इजाजत दे, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय अल्लाह हाफिज़।